विभाग की कर्मचारी की मनमानी के चलते खेत में खड़ी हुई फसल जलकर खाक हो गई। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ कस्बे में शनिवार को एक किसान के खेत में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसान को करीब 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान पप्पू धाकड़ ने बताया कि आगजनी की घटना रात 11 और 12 बजे के बीच में हुई है। उस समय वह खेत पर नहीं था, उसका छोटा भाई खेत पर था। उसने ही खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना दी। इसके बाद तत्काल आसपास के लोगों को बुलाया, जिन्होंने ट्रैक्टर के पंजे की मदद से बढ़ती हुई आग को उनसे रोका और आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान पप्पू धाकड़ ने बताया कि उसके खेत में रखी हुई सरकारी डीपी के वर्तमान में बिजली सप्लाई बंद थी, लेकिन शनिवार को किसी के कहने पर बिजली कर्मचारी ने सप्लाई चालू कर दी। इस दौरान कर्मचारी से मना भी किया गया था। ये देखिए इतनी उड़ी और आग बुझाने में लगी है। बमोरी से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।